वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह का ब्लॉग मैं शुरू कर चुका हूं और मैं आ चुका हूं मेरे फास्ट फूड पे। आप देख पाएंगे ये मैंने पूरा सेटअप लगा चुका हूं और अभी यहां पे आया हुए हैं एक भाई। थोड़ी देर हुआ, धंधा चालू हुआ और पीछे एक भाई आया सिटी जूस वाले, तो मैंने जूस ले लिया इनसे। और अभी मैं थोड़ी देर, अभी थोड़ा फ्री हो गया हूँ तो थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ। तो ये सिटी वाला भाई मुझसे पूछ रहा था कि यार कोई अच्छा लोकेशन होता दिखाओ मुझे, क्योंकि बेचारा बोल रहा मेरा धंधा नहीं हो पाता है, मैं अराउंड अराउंड घूमता हूँ। तो मैंने बोला भाई जहाँ मैं फास्ट फूड का सेल लगाता हूँ आप मेरे पास में आके खड़े रह सकते हैं, क्योंकि जो भी नाश्ता करना आएगा वो लोग जूस भी, गर्मी का मौसम तो जूस पियेंगे, तो आप लोग आज नहीं तो कल छोड़ के परसों के दिन से वहाँ आ जाना ताकि आपका भी काम हो जाए। तो गाइस धूप बहुत पड़ने लगी है, तो जो हम जहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी की थी वहाँ पर अभी धूप आ गई है, तो गाड़ी को मैं अभी यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ और इस साइड से लगा देता हूँ ताकि ये छाया भी टेबल कुर्सी के लिए काम आएगी। सुबह ये छाया इस साइड में थी, क्योंकि देर से जैसे धूप ऊपर चला जाता है तो छाया इस साइड में आ जाती है। तो गाइस मैंने गाड़ी को इस साइड में लगा दिया है, पहले खड़ी थी इस जगह, अब ले लिए थोड़ी इस साइड में ताकि ये छाया यहाँ पर आ गई है, तो अभी थोड़ी देर अंदर की साइड में लेंगे तो जल्दी से खत्म हो जाएगा धंधा। थोड़ा ही बचा माल, जैसे भी आधा घंटे जितना में खत्म हो जाएगा। तो गाइस 12:30 हो गए हैं और अभी मैं कर लेता हूँ लंच, तो यहाँ पर टेबल पर बैठ जाता हूँ, देखते हैं आज टिफिन में क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले करता हूँ अपन टिफिन, पहली गुआर की सब्जी और गेहूँ की रोटी। तो चलो लंच स्टार्ट किया जाए और आज का लंच, ताजे लंच का फायदा उठाया जाए। तो भाई जयपुर के 1:30 बज गए हैं और अभी मैं आ गया हूँ ये बोर्ड उठाने के लिए, क्योंकि धंधा पूरा हो गया है। तो अभी मैं इस बोर्ड को ले जाता हूँ और गाड़ी को फॉल्ट करके समेट के अभी चलता हूँ घर। धूप बहुत पड़ रही है, मेरा गाड़ी का वेटअप और अभी मैं चलता हूँ घर पे। धूप बहुत पड़ रही है गाइस, तो जहाँ नहीं जा रहा है, रास्ते में कोई जूस वाला मिलेगा तो जूस पीऊँगा, नहीं मिलेगा तो घर पर बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके जाऊँगा और थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर शाम को मिलते हैं वीडियो में कंटिन्यू। तो वीडियो में बनाए रहे हैं आप लोग, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और गाइस वहाँ से मैं निकल चुका हूँ और आ गया हूँ पीछे वाले रोड पे, और देखिए धूप कितनी पड़ रही है, तो सुबह तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, अभी कोई नहीं दिख रहा है, पूरा वातावरण पूरा एकदम गरम गरम लग रहा है, जैसे अप्रैल नहीं लगा हुआ ये तो जून आ गया है। और ऐसे में देखो बाहर जो दिन भर रोड पर मजदूर काम कर रहे होंगे वो लोग कैसे रहते होंगे पता ही नहीं है, हम लोग तो थोड़ी सी गर्मी लगती है हालत ख़राब हो जाती है। और देखिए जैसे ही रोड गाड़ी चल रही है ऐसे लग रहा है जैसे पूरी रोड हिल रही है धूप की वजह से। तो मेरे पीछे के साइड में जो एक पार्किंग था वहाँ पर भी बाउंड्री का काम चालू हो गया लगता है, ये भी पार्किंग बंद हो जाएगा और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बिल्डिंग का काम। चलते चलते मुझे देखिए रास्ते में क्या मिला है, एक थर्मोकोल का कुंडा, ये मैंने ले लिया है, ये अपने को शाम को जो भी खाना खाते हैं तो आप लोगों को जो होता है तपेली वगैरह होती है, कढ़ाई वगैरह होती है, उसके रखने के लिए स्टैंड के तौर पे काम आएगा। और अपन है इंडियन वाले, जो भी फ्री की चीज़ मिल जाती है वो तो ले ही लेते हैं, तो मैंने अभी इसको ले लिया है और इसको लेके जाता हूँ अभी घर पर। और देखो गोलू का रिएक्शन क्या होता है देखते हैं कितना खुश हो जाता है और भाग के आता है सामने गाड़ी की तरफ। तो जैसे मैं काम से आया तो भयंकर वाली नींद आ रही थी, क्योंकि गर्मी की शुरुआत कल आज से दिन आ गया तो मैं सो गया था। अभी उठा हूँ और मुँह धो लिया, अभी चाय की तैयारी करते हैं, शाम को 4 बजे हैं तो अभी चाय पी लेते हैं हम लोग भी। तो गाइस जो मैं थर्माकोल का डब्बा लेके आया था अभी मैं उसको लेकर अंदर जाता हूँ, देखते हैं इनका ये बर्तन रखने के लिए, दोनों में हो गए ना, एक इसमें एक इसमें, गिरेगा नहीं इसमें। गोलू भी उठ गया है और गोलू ने हाय कर रहा है हेलो, और गोलू का भी फेवरेट खाना दूध और बिस्किट, इसको खिला लेते हैं। हेलो तो गोलू मेरे, तो गाइस चाय का टाइम हो गया है और चाय बन गई है गर्म गर्म, चाय के साथ में नाश्ते में है गर्म गर्म पापड़, बहुत लग रही है भूख, तो ये है चावल वाला पापड़ खा के देखते हैं। तो गाइस चाय के साथ मजा आ गया और एकदम पेट भर गया है, तो भी अब उठने के बाद में जो चाय
चाय और नाश्ता करने के बाद जो तंदुरुस्ती मिली है वो अलग ही इंडेक्स मिल रहा है अभी। और अभी देखते हैं आगे वीडियो में क्या होना ना है, अभी कोई प्लान तो है नहीं, जो भी प्लान होगा मैं आपको वीडियो में यूट्यूब दिखाते रहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में ऐसे ही क्या। रोज़ की तरह मैं भी अभी बाहर आ गया हूँ गोलों को लेकर, क्योंकि गोलों को एक बार दिन में राउंड बनाना ही पड़ता है, पूरा दिन घर रहता है तो ये भी बोर हो जाता है, तो इसको हेलो गोली तो इसको एक बार राउंड बना देते बाहर का, और थोड़ा इसको एक चक्कर मरा के आ जाता हूँ और फिर बाद में वापस घर चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पहुँचे हैं रेस्टोरेंट के ऊपर शेर पंजा, तो अभी हम लोग आज का डिनर यहीं पे करेंगे, क्योंकि आज का फुल डे का यही एंजॉय था, पिक्चर देखना और रेस्टोरेंट में खाना खाना। अभी हम लोग चलते हैं अंदर और देते हैं ऑर्डर, तो अभी हम आ गए हैं अंदर टेबल पर, तो अपना ऑर्डर फिलअप कर दिया है। और निशांत कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा बोलो क्या कर रहा है? जूस पी रहा है, ये आटा टूटी फूटी को लग गया माथा के अंदर। अभी हमने ऑर्डर दे दिया है एक पनीर बटर मसाला, सॉरी पनीर का मसाला और दो बटर नान सलाद, तो भाई समर खाना आ चुका है, पनीर का मसाला दो बटर नान सलाद, ये भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस हमारा रनिंग में एक सब्जी और आया है चीज़ बटर मसाला, तो इसको पहले मैं सर्व कर देता हूँ। तो खाना खा के निकल चुके हैं और मैंने बिल पेमेंट कर दिया है, और अभी हम लोग जाएंगे जैसे सिग्नल ऑन होगा क्रॉस करके सीधे जाएंगे घर पे। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और अभी बहुत भारी भारी लग रहा है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं बाद में, देखते हैं कि खाना भी हो गया आज का, तो डिनर भी हो गया है आज, तो 8 बजे नहीं बजा उससे पहले सब कुछ तैयार हो गया है, तो रेस्ट करते हैं।